नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर के नेता विश्वनाथ कुशवाहा, महामंत्री उमेश पांडे और एक और साथी आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले। केशव प्रसाद मौर्य जो शिक्षा वित्त अनुदेशक की नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने संबंधी जो कमेटी है जो विधान परिषद की, उसके अध्यक्ष, उनके साथ बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी थे। इन सब लोगों ने आज उनसे बैठकर बड़ी गंभीर चर्चा की। साथ ही शिक्षा मित्र के भविष्य को लेकर काफी सवाल किए, काफी बातचीत किए। कुछ ही पलों में हमारे साथ उमेश पांडे होंगे, वो पूरी बैठक का विस्तृत रूपरेखा बताएंगे। साथ ही चंदौली समेत कई जनपदों के और फर्रुखाबाद जनपद की शिकायत को लेकर भी उन्होंने डीजी साहब से बातचीत की, डीजी मैम से मिले, डीजी मैम से मिलकर पूरी बातचीत रखी। तो मेरा मकसद इतना ही है कि कुछ अच्छा हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ खराब होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, ये सब आप तय कर लीजिए। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। ज्ञानवर्धक लोग हैं, उन्हें ये पता है कि केशव जी और मुख्यमंत्री जी की नहीं पटती है, बीजेपी की और मोदी जी की, योगी जी की नहीं पटती। अब इस ये ज्ञान तो अलग चीज है। और किसकी किससे पटेगी नहीं पटेगी ये सब नई चीज है, लेकिन सिर्फ इतनी जरूर है कि अब मामला आर पार पर आ पहुंचाए। जो कुछ होगा उसका ऐलान जल्द होगा। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ गए, तब उमेश पांडे जी भी हमारे साथ आएंगे। और साथ विक्रम सिंह का भी नेटवर्क इशू है, जैसे ही होता है फाइनल आते हैं तो उनसे बात करेंगे। लेकिन आज एक बार फिर कौशल किशोर सिंह जी इस पूरे मामले में एक्टिव दिखे। उन्हें भी लगा होगा कि मैंने पहले मेहनत की, शिक्षा मित्रों की बात की और अब जो उस दिन कुछ चर्चाएं हुई कि अब तक कितनी बार मुलाकात हुई, कितनी बार बातचीत हुई, उस मुताबिक बात आगे कैसे बढ़े और क्या इस पर कहीं ऐसा हो, कुछ हो जाए और मैं रह जाऊं। तो नेताओं का ये अपना अपना कार्य प्रणाली है और इससे लगातार जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो रही हैं, स्पष्ट होंगी, सब कुछ सामने आएगा। और उससे निश्चित रूप से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो होगा वो आपके सामने आएगा। नहीं, वो लालचंद जी उनकी अपनी है, वो सिर्फ खोजने आते हैं कि नया क्या आया है। अभी उमेश पांडे आएंगे,
बताएंगे बैठक में क्या हुई बातचीत। राजेश शर्मा जी समय पर हम सबको जोड़ देंगे, मत आप कुछ लिखिए, हमें पता है हमें कौन से दिन किसको जोड़ना है। और मैं कुछ ये डेवलप कर रहा हूं कि कुछ अच्छा हो, और इन सब चीजों पर निश्चित रूप से कुछ बेहतर हो इसके लिए पूरा प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ करता हूं, ना कुछ रोकने का हमारा कोई उद्देश्य होता है। नेतागिरी चमकेगी नहीं चमकेगी, नेतागिरी किसकी बचेगी, ये वो शिक्षा मित्र निदेशक जाने, किसी नेता मानेंगे किसी नहीं मानेंगे, मैं किसी का पैरोकार नहीं हूं और किसी को नेता बनाने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। नेता सब अपने हिसाब से बनते हैं। मैं तो फिर भी कहता हूं कि मुझसे जो भी अनुदेशक नेता भी मेरे से बातचीत करेगा मैं उसे बुलाने को तत्पर हूं, कोई जरूरी थोड़ी है, कोई विक्रम सिंह मेरे रिश्तेदार थोड़े हैं कि मैं विक्रम सिंह के लिए काम करता हूं, मैं तो सबके लिए काम करता हूं। जो भी है सबका स्वागत है, शिक्षा मित्र के सभी संगठन आते हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं, शिवकुमार शुक्ला आते हैं उन्हें बात कहने का मौका देते हैं, उमा देवी जी आई उन्हें बात कहने का मौका, सबको देता हूं सिर से एक तरफ से। विक्रम सिंह आज कुछ खास खबर, आज सोमवार था, कोई बड़ी खबर आज लखनऊ से मिली हो, क्योंकि आज शिक्षा मित्रों का एक संगठन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिला है, बड़ी अच्छी बैठक बताई गई है और अच्छे वातावरण में अच्छी बैठक हुई है। कौशल किशोर जी ने इस बैठक का नेतृत्व किया और कौशल किशोर जी पहले ही शिक्षा मित्रों के नेता बनकर शिक्षा मित्रों की बात लेकर सरकार तक गए। वो मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रख पाए कि नहीं रख पाए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। पिछली वर्ष जब बैठक हुई तो उन्होंने काफी कुछ खरी खोटी भी सुनाई शिक्षा मित्रों को, वो शायद खराब भी लगा था और वो खुद भी चुनाव हार गए। अब इस बार फिर उमेश पांडे जी, विश्वनाथ कुशवाहा जी और राधेलाल जी कई साथी मिलकर आज इस बैठक को अंतिम मुकाम तक ले गए हैं। अभी आएंगे उमेश पांडे जी तो बैठक के बारे में बताएंगे। विक्रम सिंह आज आपके पास कुछ ताजी खबर हो तो बताइए, या क्या जानकारी आज? जी सर आपका बहुत बहुत आभार। जो जानकारी थी सर कल ही हमने बात किया था और जो कल वाली जानकारी हमने बताया था आपको कि परियोजना से बात हुई थी, वही मानदेय भुगतान दीपावली से पहले तो हर हाल में हो जाएगा, और कल एक आदेश भी आया अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सर का कि 30 तारीख से पहले भुगतान करने का, तो भुगतान हो जाएगा, वो बहुत सकारात्मक चल रहा है। और शासन जब मैंने इससे पहले भी आपको डिबेट में कहा था कि जब शासन चाह लेगा तो सब कुछ हो जाएगा, सरकार के पास असीमित पावर होती है, सरकार जो चाहेगी वो करती है, और सरकार जब मन बना लेगी तो फिर किसी के रुके वो रुकेगा नहीं। तो अच्छी पहल है, और 11 वर्षों में मुझे तो लग रहा है कि पहली बार एक महीने में दो बार मानदेय मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जो मेरी याददाश्त है, हो सकता है किसी और की याददाश्त अलग हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 11 वर्षों में अनुदेशकों के इतिहास में तो शायद 2024 का जो अक्टूबर का महीना है एक इतिहास बनाने जा रहा कि दो बार एक ही महीने में मानदेय मिलने जा रहा है। थोड़ा सभी जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, थोड़ा तत्परता दिखाएं और सब कुछ विभाग के हवाले ही न कर दें, सब कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भरोसे ही न कर दें, सब कुछ बीआरसी के भरोसे ही न कर दें, कुछ आप भी पेन लीजिए, कुछ आप भी दर्द लीजिए, कुछ आप भी दो कदम चलिए। और जब सभी साथी, आज मैंने देखा हमारे प्रयागराज की साथी ने स्मृति मिश्रा जी जो हमारे प्रदेश की महासचिव हैं और जिला अध्यक्ष प्रयागराज है, आज उन्होंने बीएसए कार्यालय जाकर बीएसए से मुलाकात करके उन्होंने आदेश जारी करवाया कि दीपावली से पहले, चूंकि वहां उनके यहाँ थोड़ा जो अटेंडेंस है वो 1 तारीख से 30 तारीख तक जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ रही थी, लेकिन उन्होंने बीएसए सर से मुलाकात करके इस समस्या का समाधान करवाया और आदेश जारी करवाया। कल हमारे बस्ती के जिला अध्यक्ष ने, उससे पहले हमारे
बदायूं के जिलाध्यक्ष प्रतीक दुबे जी ने, कल बस्ती के जिलाध्यक्ष प्रमोद पांडे जी ने, तो सारे लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से। और अच्छा लगता है जब जिला कारकानी, ब्लॉक कारकानी, प्रदेश कारकानी कार्य करती है तो अनुदेशक साथियों को भी अच्छा लगता है कि जो हमारा नेतृत्व कर रहा है वो हमारी कितनी अनुदेशकों में विश्वास जगता है। और हम अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसे देखा के साथियों ने, इससे पहले हमने लगकर जिला अधिकारी से के अन्य जी ने शिक्षा अधिकारी से, और जो पैसे को 63 को जो नोटिस जारी हुआ था भाई प्रशिक्षण को लेकर, उसपे की सौहार्द लोग चलेंगे। देखिए तो निर्माण करना पड़ेगा और एसोसिएशन के अधिकारी, चाहे वो प्रदेश के अधिकारी हो चाहे जिला, विक्रम सिंह से संपर्क टूटा है। अभी हमारे साथ उमेश पांडे जी आ रहे हैं, उमेश पांडे जी से हम बात आज पूछेंगे क्या रहा उनका आज मुलाकात के, और क्या आज मुलाकात रहेगी और क्या मुलाकात के दौरान बातचीत कही मुख्यमंत्री ने, बातचीत का लहजा क्या था और क्या उनका उम्मीद दिखाई दे रही थी। उनके साथ कौशल किशोर सांसद भी थे और पूर्व मंत्री कैबिनेट रह चुके हैं कौशल जी। कौशल जी ने पहले भी एक बार शिक्षा मित्रों की बातचीत आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कितने आगे तक ले जा पाए बातचीत को, कितना पोजीशन तक पहुंचा पाए, ये तो कौशल जी ही जाने। लेकिन जो जो लोग इस पूरे मामले में प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आगे पीछे बहुत कुछ आगे पीछे रहता है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि सिर्फ अगर सभी लोग केवल मिलकर ये बात महसूस कर लें कि निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए, कुछ होगा, तो फिर आपके अंदर की आवाज भी यही पॉजिटिविटी लाती है कि अब कुछ होके बचेगा। आप लोग ये नेगेटिविटी पाल लो कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये भी बात आगे बढ़ जाएगी कि कुछ नहीं होगा। ये चीज हम सबको सोचनी पड़ती है और सरकार जब करने पर आएगी तो कुछ इसमें अलग व्यवधान नहीं होगा। मैं लगातार आप सबसे बातचीत करता हूं, आपकी बात जनता तक पहुंचाता हूं, सबके मध्य पहुंचाता हूं, अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, सांसद विधायकों तक पहुंचाना का प्रयास करता हूं। जो लोग जुड़ते हैं वो सब आगे बात सुनते हैं। कहीं किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि लोग खामोश हैं। लोगों की डिमांड है, लोग मांग रहे हैं और लोगों को वो अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार किसी से छीना नहीं जाता, अधिकार मांग के ही हम एक बार फिर उसके नजदीक जाते हैं। विक्रम सिंह कोर्ट का क्या, अब आपके पास खबर है सुप्रीम कोर्ट में आपकी पोजीशन केस की क्या है? क्योंकि पूरा अनुदेशक जानना चाहता है कि कोर्ट की क्या पोजीशन बनी। सर एक कहावत आपने सुनी होगी और हम लोग भी किताबों में पढ़ते हैं कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये 2024 का जो साल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जितनी अच्छी सुनवाई चल रही थी, काफी अंतिम स्टेज पे था, फाइनल सुनवाई होने वाली थी। जज साहब ने भी कहा था कि हम अगले डेट में फाइनल सुनवाई कर देंगे, हालांकि दुर्भाग्य से उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, केस टेकअप नहीं हो पाया, और नहीं हुआ तो अच्छा हुआ क्योंकि कुछ और भी बातें थी, तो कभी कभी ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं।
लेकिन उसके बाद कुछ और लोग भी उसी मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां समस्या पैदा हुई। ठीक है, आप पहुंचे तो आपके स्तर के जो क्रियाकलाप है, जो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो पूरी करनी चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं किया। और ये जो देर चल रहा है, देर जो हो रहा है सर, ये सारे इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग दोबारा उसी केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और नोटिस सर्व होना था 22 लोगों को, नोटिस सर्व नहीं कराया गया। मतलब केस करके कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास किया गया और 22 लोगों को नोटिस सर्व करना था, नोटिस सर्व नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया और जो केस फाइनल सुनवाई की ओर चल रही थी, वो सुनवाई वो रजिस्ट्रार के यहाँ फिर वापस बैक हो गई। और उसमें चूंकि 22 लोगों को नोटिस जारी हुआ था, नोटिस को सर्व नहीं कराया गया। फिर कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्रार महोदय ने कहा कि इसको 22 लोगों को नोटिस जारी कराइए, नोटिस सर्व कराइए। फिर नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया हुई, उसमें हम लोगों ने भी अपने स्तर से जहां तक संभव हो प्रयास किया। और फिर नोटिस गई, कुछ लोगों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया, वो नोटिस वापस आ गई। और जब नोटिस स्वीकार नहीं किया तो उसके नाम को डिलीट करने की बात आई, तो डिलीट करने के लिए उन लोगों ने 23 सितंबर को ही एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस पर अभी डिलीट होने की प्रक्रिया नहीं हुई है। और 11 नवंबर को उसको जज साहब सुनेंगे और डिलीट करने का आदेश करेंगे। और जैसे ही वो नाम डिलीट करने का आदेश करेंगे, नाम जब डिलीट होगा तब फिर ये सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंचेगा और फिर वहां सुनवाई प्रारंभ होगी। तो यही लंबा जवाब है। चलिए मैं दोबारा फिर आऊंगा। मैं थोड़ा सा, उमेश पांडे जी का स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं है, हमने आज कहा तो डिप्टी सीएम से मिलके आए हैं, तो मैंने कहा एक बार आज उमेश पांडे जी से बात की जाए और उनसे शिक्षा मित्रों को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि 8:25 हो चुके हैं और अब उनसे 9 बजे तक हम आज बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। पहला सवाल उनसे यह है कि मुलाकात डिप्टी सीएम से हुई, कौशल किशोर जी थे, आपके संगठन के विश्वनाथ कुशवाहा जी थे, एक साथी और, बातचीत में बहुत कुछ समझ आता है, कैसी बातचीत रही, उप मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया? क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मित्र अनुदेशक की जो कैबिनेट समिति बनी है उसके अध्यक्ष है और उन्हीं के माध्यम से वित्त जो वित्त विभाग की जो समिति है उसके अध्यक्ष है MLC, वो उस पर पूरा प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। तो कैसी बैठक रही, कैसी बातचीत रही और क्या मुलाकात में उन्होंने कहा, कैसी बातचीत का रुख था? शर्मा जी प्रणाम। जी नमस्कार मिश्रा जी को, मिश्रा जी प्रणाम और हमारे मित्र अध्यक्ष जी को भी नमस्कार। आज कल शाम को हमारे पास फोन आया कि हमने वार्ता के लिए समय मांगा था, तो देर रात हमारे पास फोन आया और उसी 10 बजे की आपको बुलाया गया है, उसी को लेकर के हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। हमारी मुलाकात बहुत सकारात्मक हुई, कई मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। क्योंकि विधान परिषद में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ही उपस्थित में, उनके ही दिशा निर्देशन में बैठक भी हुई थी और उसके बाद से हमारा हो चाहे अनुदेशक भाइयों का हो, काम तेजी से आगे बढ़ा। उसी को लेकर के हमारी बहुत दिन से हमने मांगा था, व्यस्तता थी, नहीं मिला। आज समय मिला, हम लोग जा करके उनसे मिले। मिलने के बाद बैठक बहुत सकारात्मक हुई। धैर्यता से हमको लोगों को, सरकार को समय देना पड़ेगा। और चूंकि लोग तमाम तरह के अटकलें फेसबुक को, ट्विटर पर और ये सोशल मीडिया पे तमाम तरह की कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उंगली चलाने से कोई शासनादेश नहीं होता। काम करने से और समय के साथ अपने आप को रखने से, समय के साथ आपको चलने से, तब आपका शासनादेश होगा। और मैं आप
मैं आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्र भाइयों को बता देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र हो चाहे हमारे निदेशक भाई हो, सभी लोगों का जो है माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के अनुसार जो हमने एहसास किया है, उनका रुख बहुत साफ था। कई बातों को हमने उनके पास रखा, चाहे वो मेडिकल की समस्या रही हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य की समस्या रही हो, स्वास्थ्य मतलब चिकित्सीय मेडिकल की समस्या रही हो, चाहे सीसीएल की समस्या रही हो, चाहे सीएल की समस्या रही हो, इस तरह से हमने हर बात को उनसे सामने रखा और उन्हें सकारात्मक पूर्णता हमको आश्वासन भी दिया, आश्वासन नहीं विश्वास दिलाया कि आप लोगों का कार्य होगा। और हमने कार्यक्रम की भी बात की तो उन्होंने यही बताया कि आप लोग परेशान हो, आपका काम भी होगा और आपको कार्यक्रम भी दिया जाएगा। मिश्रा जी, माने जी शिक्षा मित्र बेसब्री से इंतजार एक एक पल का कर रहा है और एक एक पल प्रभावी होता है। आज की तारीख में एक एक दिन शिक्षा मित्र के लिए एक एक वर्ष की तरह गुजर रहा है जी। जैसे शिक्षा मित्र तो इस बात पर उतारू है कि जेह विद होए नाथ ही तो बोरा करो सो बेग दास में तोरा। वो कह रहा है कोई भी संगठन चले जाओ, कहीं मिल लो, कुछ भी करो, साहिब हमारा जीवन बचा लो। गाय बगाए एकाध शिक्षा मित्र इस दुनिया से विदा हो जाता है। आपका भी उद्देश्य यही है कि उस संगठन के नेता के साथ आप भी तो एक शिक्षा मित्र है। जो सबको लाभ मिलेगा वही आपको लाभ मिलेगा। अगर सबके खाते में 50,000 रुपया आएंगे तो आपके खाते में भी 50,000 रुपया ही क्रेडिट होगा। सबके खाते में 10,000 आते रहेंगे तो 10,000 ही आपके में आएंगे। ये नहीं है कि संगठन के महामंत्री हो तो आपके खाते में कुछ ज्यादा वेतन आता हो। नहीं नहीं, स्वास्थ्य वैसे ही आपका खराब चल रहा है। आपका ये वहां बातचीत हुई, कौशल किशोर जी थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, मांग पत्र तो वही होगा जो आप पहले दे रहे हो, वही मांग पत्र होगा। लेकिन इस दौरान बातचीत में जो पोजीशन चल रही थी, जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसी में तय हुआ कि सभी शिक्षक और स्नातक विधायक बैठाए गए एमएलसीगढ़, और फिर ये सब चीज पटल पर आई और स्पीड पकड़ी गई इसने, तो उन्होंने उस बैठक को लेके आपसे क्या कुछ बातचीत की कि हमने किया है, हमने सब तैयारी की है, हमने प्रस्ताव बनवाने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं कर दी हैं और जल्द पहुंच रहा है और जल्द मुख्यमंत्री जी ऐलान करेंगे, या उन्होंने कुछ और कुछ आपको बताया? क्योंकि सब चाहते हैं कि मुझे कोई मेरे हिसाब की कुछ अच्छी खबर मिले। मिश्रा जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज का दौर शिक्षा मित्र का जो दौर गुजर रहा बड़ा कष्टदायक है, और आपकी बात का मैं ये समर्थन करता हूं कि पहले मैं शिक्षा मित्र हूं, उसके बाद शिक्षा मित्रों का नेता कह लीजिए, चाहे सेवक कह लीजिए, चाहे महामंत्री कह लीजिए। और मेरा भी अपना एक आपसे मैं चैनल पे ही बता दे रहा हूं, मेरा भी आप अपना एक ध्येय है कि शिक्षा मित्रों का कुछ हो जाए उसके बाद मैं भी हाथ जोड़ लूं, अपने अपना काम, अपने परिवार, अपने बच्चों को देखूं। यही मेरा भी उद्देश्य है और मैं उसी उद्देश्य के साथ काम भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहती है और उसको लेकर के मैं भी बहुत चिंतित रहता हूं। आपकी बात बिल्कुल जायज है और मैं उन सभी शिक्षा मित्रों की तरह ही चिंतित हूं जो ये सोच रहे हैं हमारा कब भाग्य उदय होगा। मेरी भी उम्र 45-46 साल हो गई और 46 वर्ष में मैं कुछ नहीं कर पाया इसी नौकरी के चक्कर में। परिवार से माता पिता के देश जो भी था उससे दाल रोटी किसी तरह चलाई जा रही है। तो ये इस बात मैं तो खुद मेरा भी मानना है किसी तरह से जय विद हो नाथ हित मोरा करो सो वेग दास में तोरा। और मैं मेरे घर में डेली जो है रामायण का भी पाठ होता है, उसमें भी यही चौपाई लगा के हम लोग पूजा की जाती है हमारे घर में कि जय विद हो नाथ हित मोरा करो सो वेग दास। यही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कही, माननीय मौर्य जी से हमने यही बात की कि प्रभु
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ पता ही नहीं है, आप कैसे उद्धार हमारा करेंगे आप जानिए। मैं इस उस बैठक का भी जिक्र हमने किया, उस बैठक का भी उप मुख्यमंत्री जी ने हमको हर तरह से समझाया और बताया कि आप लोगों को जो आप लोग गलत रास्ते पे चले गए थे अब सही रास्ते पे आए हैं। इन सब बातों पे हमारी सारी चर्चाएं हुई और जो हमें आश्वासन मिला वो आश्वासन उस तरह का आश्वासन नहीं है जो पहले मिलता था, ठीक है जाइए आपका हो जाएगा, आपका घर दिया जाएगा, ऐसा है। लेकिन अब की बार जो आश्वासन मानी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिला है, उन्होंने उस बैठक की भी चर्चा की है। उस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जी के साथ जो बैठक हमारे सम्मानित अधिकारियों के साथ हुई है, हमारे सभी संघ के पदाधिकारी सारे संगठन थे, उसकी भी चर्चा हुई। और हमारे साथ हमारे कौशल किशोर जी, हमारे पूर्व सांसद जी, हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारा हर मुद्दे पे वो साथ देते हैं, वो भी हमारे साथ थे और हमारी वकालत बहुत जोर तोर तरीके से वो भी कर रहे थे। और आदरणीय मौर्य जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, जो हमने देखा मौर्य जी ने उनको बहुत रेस्पेक्ट दी, तो और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं माननीय मौर्य जी, हम तो पहली बार ही मौर्य जी से मिले हैं, तो हमारे उनकी तो पहली बार ही बातचीत हुई है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने हर तरह से हमको समझाने की कोशिश की है, हमारे हर मुद्दे पे हर पहलू पे बात की है। और मैं आश्वस्त हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं अपने मित्रों को कि आप लोग धैर्यता के साथ काम करिए और उंगली चलाना बंद करिए। कोई कैसे मिलता, हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे शुक्ला जी ने तुरंत हमको बधाई दिया। तो ये होना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, गलत तरीके से मनोबल गिराना नहीं चाहिए जो अन्य लोग करते हैं। मैं सभी शिक्षा में साथियों से कहना चाहता हूं कि हम सारे संगठन के लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसकी जहां पे जो पहुंच है, जैसे जैसे अपनी प्रयत्न कर रहा है वो वहां पे पहुंच के आपकी बातों को रख रहा है, आपकी बातों को नहीं अपनी बातों को। क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा, मैं पहले शिक्षा मित्र हूं, मेरे खाते में 10,000 रुपया ही आता है, मुझे 10,001 नहीं मिलता है, मुझे 10,000 ही मिलता है। मैं भी चाहता हूं मेरा 20,000, 25,000, 30,000 रुपया हो जाए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी तरीके से जो 10-15 साल की जिंदगी बची है उसको ठीक से गुजार सकूं। तो आप लोग हमारा सहयोग दें। और मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से आश्वस्त करता हूं कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी आपको बनानी पड़ेगी, और आपने दूरी बना ली तो मैं पूरी गारंटी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, हम लोगों का भाग्य उदय होना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में भाग्य उदय हो। मैं ज्यादा राजनीति की बात नहीं करता हूं, ना मुझे आती है, मैं साफ साफ बताता हूं कि आप लोग धैर्यता के साथ रहिए, किसी उंगली मत चलाइए घर बैठ करके। अभी देखिए, आज कोई कमेंट कर रहा था जींस पहन के क्यों गए थे, जींस पहन के नहीं जाना चाहिए था, धोती कुर्ता पहन के जाना चाहिए था। कपड़े भी तय होंगे अगर मुलाकात में, कपड़े भी तय होने लगे। अभी मैं एक ग्रुप चल रहा है हमारे, लग रहा है मन मिश्रा जी आए हैं, मैं सादर प्रणाम मिश्रा जी को, और उस ग्रुप में यही चलता रहता है। तो उसमें जींस पे भी मैं जींस पहन के गया था और काफी दिनों के बाद पहना था। मिश्रा जी, ज्यादा मेरी फैशन वाली आदत नहीं है, लेकिन आज श्रीमती जी ने कहा यही पहन लो, तो हम वही यही शर्ट और जींस पहन के गए थे। तो उस जींस पर भी लोगों ने कमेंट किया, तो इस तरह की बात गलत है। सरकार पर, अपने नेताओं पर आप कमेंट करेंगे तो कहां हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से जिसके पास जो होगा भैया वही पहन के तो जाएगा। अब वो अमेरिका में अगर घास चलाने वाला जींस पहनता है तो हम क्या करें भैया, हमको उसी लायक समझ लीजिए। तो इस तरह से कि सरकार की बुराई करना, अपने नेताओं की बुराई करना, अपने संगठनों की, तो इससे आप ये सब करना बंद कर दे, मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं कभी गारंटी वारंटी नहीं लिया हूं अभी तक, लेकिन अब जो रुख हमारी समझ में आ रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम लोगों का भाग्य उदय होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होगा। मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल, कुछ लोगों की होती है, हमारे एक साथी है इमरान खान, पता नहीं शिक्षा मित्र हैं कि नहीं है,
वो कह रहे हैं इस प्रोग्राम से भी दूरी बनानी चाहिए, मैं उनका स्वागत करता हूं और जितनी जल्दी हो सकता है देखना बंद कर दीजिए, शायद आपका भला हो जाए, कम से कम आपका नियमित तो हो जाओ आप, क्योंकि ये तो आपको तय करना है। आप बंद कर दोगे हम तो कल दूसरे मुद्दे पर काम करने लगेंगे। भाई मिश्रा जी यही मैं आपको थोड़ा समय लूंगा, आप पत्रकार हैं, आपके पास हर चंद दो सेकंड के बाद नया मुद्दा आपको मिल जाता है, पत्रकार का काम ही है, कोई ना कोई रोज रोज तो कोई शिक्षा मित्र का मुद्दा आपके लिए है, ऐसा नहीं आपके पास 50 मुद्दे डेली नए होते हैं, लेकिन आप शिक्षा मित्र के मुद्दे को लेके इसलिए आते हैं मेरा मानना है, क्योंकि आप शिक्षा मित्रों से काफी दिनों से जुड़े हैं, उनके दुख दर्द को आपने देखा है, आपने समझा है, आपने उसको नापा है, इसलिए आप जो है उनका प्रोग्राम करते हैं, ऐसे लोगों का तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें लोग करते हैं। मैं तो बड़ा साफ बात करता हूं, मैं कभी घुमा फिरा के नहीं, और लोगों की अपनी अपनी सोच है, यहाँ लोग इस बात से नहीं परेशान है कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ लोग इस बात से परेशान है कि अगले का क्या हो रहा है। बिल्कुल। और मैं बड़ा साफ सुथरी बात बता दूं कि जा पर कृपा राम की होई, बाप पर कृपा करे सब कोई, या जिस पर अल्लाह की कृपा है उस पर सबकी कृपा है, जिस पर वाहेगुरु की कृपा है उस पर सबकी कृपा है। अगर हम क्रिश्चियन समाज की बात करें तो जिस पर जीसस की कृपा है उस पर सबकी कृपा है। मैं सभी धर्म और संप्रदाय की बात करता हूं, मैं सभी लोगों की बात करता हूं, मैं कभी किसी पर कटाक्ष नहीं करता। लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आएंगे चले जाएंगे। आज पांडे जी ने गारंटी ली है, लोगों को समझना चाहिए, गारंटी और वारंटी का दौर है, शायद कुछ भगवान अच्छा कर दे। मैं सीधा रमेश मिश्रा जी के पास पहुंचूंगा। मिश्रा जी, आज पांडे जी का संगठन डिप्टी सीएम से मिलके आया है, और चूंकि डिप्टी सीएम इस समय उस बैठक के अध्यक्ष हैं, जिस बैठक के माध्यम से ये आपके प्रस्ताव, आपकी बातचीत, आपका ये रख रखाव स्पीड में बढ़ा, उसी अध्यक्षता में सारे शिक्षक स्नातक क्षेत्र के विधायकों ने बैठ कर ये मसौदा तैयार किया कि शिक्षा मित्र अन्वेषक को गंगा पार कैसे कराएंगे। काफी समय से उलझे हुए हैं और उस मसौदे में कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें, अगर ईमानदारी से उन सब बातों पर अधिकारियों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर ली, बेसिक शिक्षा मंत्री से चर्चा कर ली, तो निश्चित कई तरीके के लाभ मिलते नजर आएंगे। आज की तारीख में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबके अपने अपने कमेंट, अपने अपने कटाक्ष हैं, लेकिन सच में क्या है ये तो वक्त बताता है। फिलहाल बहुत कुछ कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। मिश्रा जी, उमेश पांडे की मुलाकात, दो दिन पहले आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात, उससे पहले जिस दिन बेसिक शिक्षा मंत्री की बैठक हुई उस दिन अभय सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात, मुलाकातें जितनी बढ़ेंगी उतनी बात बार बार किसी के पास पहुंचेगी, बार बार पहुंचेगी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं कतई बुरा नहीं मानता, लोग कहते हैं उसकी हो गई, अरे तुमको क्या दिक्कत है, आज फिर दूसरे संगठन की हो गई, आज फिर तीसरे, कल फिर किसी संगठन की हो जाए, तो इसका मतलब बात रोज पहुंच रही है। और ये जो आज यहां तक पहुंचा है ये संवाद की देन है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये किसी की देन है, सिर्फ संवाद की देन है। सांसद विधायक सब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि शिक्षा मित्र निदेशक कोई गाय बगाए कह ही देता है। मिश्रा जी, आज की इस मुलाकात को देखकर क्या करेंगे? जी मिश्रा जी प्रणाम, हमारे अनुज उमेश जी भी हैं और साथी बैठे हैं, जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा यथोचित अभिवादन, जो मुझसे छोटे हैं उनको भाई मेरा आशीर्वाद और जो बड़े हैं उनको प्रणाम और नमस्कार। मिश्रा जी, निश्चित तौर पे भाई उमेश जी और कुशवाहा जी ने आज माननीय उप मुख्यमंत्री मौर्य जी से मुलाकात किया, इसके लिए इनको बधाई है, धन्यवाद है कि आपने मुलाकात किया और शिक्षा मित्रों के हितों को लेकर के आप आगे बढ़े। निश्चित तौर पर देखिए, मुलाकात कोई करे है तो शिक्षा मित्र ही, जाएगा तो शिक्षा मित्र के लिए ही, अगर कुछ मांगेगा तो शिक्षा मित्र के लिए ही, समाज तो शिक्षा मित्र का है। इससे मतलब नहीं उमेश जी मिल रहे हैं कि शुक्ला जी मिल रहे हैं कि मिश्रा जी मिल रहे हैं, मिल रहा है कुशवाहा जी मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं निश्चित तौर पे, रोज डेली कम से कम। एक कहावत है मिश्रा जी, केसरी आवत जाता है सिर पर पड़त निशान,
तो डेली अगर आदमी उसमें घर्षण होगा, लोग मुलाकात होगी, रोज रोज अपनी बात रखी जाएगी, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो उनके अंदर आएगी, और वो अगर शिक्षा मित्रों के प्रति हमदर्दी आएगी, और हमदर्दी आएगी तो निश्चित तौर पे कुछ सोचने के लिए विवश होंगे और शिक्षा मित्रों को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, आप लोगों ने मुलाकात किया है, सही है, ठीक है, अच्छी बात है, मुलाकात होनी भी चाहिए। और मैं तो चाह रहा था कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के पहले अगर मुलाकात हुई होती तो निश्चित तौर पे हो सकता है कुछ उसका परिणाम निकल गया होता, लेकिन चलिए ठीक है, समय से पहले वो भाग से ज्यादा कभी मिला नहीं, तो 7 साल शिक्षा मित्रों को नहीं मिला, तो 1-2 महीने और सही, प्रयास करेंगे, इंतजार करेंगे। आदमी जब तक देखिए, कोई किसी के घर का व्यक्ति है नहीं रिश्तेदार है कि जाके मुलाकात कर लेगा, जब समय मिलेगा, समय होगा, जब उचित समय होगा, फोरम होगा, तो लोग मुलाकात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई, बेसिक शिक्षा मंत्री की बैठक हो गई, अब धीरे 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 इस स्थिति में पहुंच रहा है शिक्षा मित्र कि उसके फाइनली स्टेज के तरफ पे। अभी मैं तो सुन रहा था भाई उमेश जी ने हमारे आज गारंटी भी ले लिया, तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसी बात उनके दिमाग में आई होगी, वहां उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ बात कही होगी, उन्होंने कुछ देखा होगा, तो ये सब चीजें पॉजिटिव है, हमारे समाज के लिए पॉजिटिव है, इस पे लोगों को समझना चाहिए। और अगर आपने किसी को प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे जिसको भी दिया हो, अगर प्रतिनिधित्व आपने दिया है तो उस प्रतिनिधित्व के ऊपर विश्वास आपको करना चाहिए। हम लोग तो कई दिन से कहते चले आ रहे हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सरकार से सामंजस्य बनाने का कार्य नेताओं का है आपके, हम लोग उसको बखूबी कर रहे हैं कि सरकार से सामंजस्य बने और आपके हित के लिए अच्छा हो, तो उसका लिए उसके लिए कार्य संगठन कर रहे हैं। तो आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए, निश्चित तौर पे अभी हमने देखा कई ग्रुपों में धीरे धीरे कुछ दो लोग अगर कुछ लिख देंगे तो उस पर से 10-20-50 लोग उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, कमेंट की क्या हो सकता है आपको, जब सारे लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब लेंगे हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, तो घोषणा हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा, तो इसमें आपको बहस करने की क्या जरूरत है, क्या हो सकता है बहस करने की, कोई बहस की हम तो देखते हैं ग्रुप में कोई बहस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते हो तो किसी के मनोबल को गिराइए नहीं, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी पहुंच है, जो जितना कर पा रहा है, वो अपने समाज के लिए, हित के लिए ही कर रहा है, तो किसी के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर अपना जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा होगा शिक्षा मित्रों का मिश्रा जी। तो ये चीजें हैं, हम फिर हम भी कहेंगे अपने लोगों से कहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस गर्मजोशी से मुलाकात हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों की हुई है, अध्यक्ष महामंत्री वगैरह की, और जितने लोग MLC या विधायक सांसद या जितने लोग लगे हैं, सब लोग लगे, अब सबके मुंह से निकलने लगा है कि शिक्षा मित्रों के लिए अब कुछ होना चाहिए, अच्छी बात ये समझ में आ रही है कि अब सब लोगों की मनसा बन रही है कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक आज नहीं, बहुत दिनों की कहावत है मिश्रा जी कि सरस्वती का वास एक बार होता है 24 घंटे में आदमी के जीवा पे, तो हो सकता है किसकी जीवा से कब निकल जाए, कब वास हो सरस्वती जी का, अच्छा हो जाए हमारे समाज का। इसलिए सारे लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए, सरकार के किसी भी बिंदु को लेकर के कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसा अभी लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए, निश्चित तौर पे सोशल मीडिया से जो पॉजिटिव कमेंट वाले नहीं है, निगेटिव कमेंट वाले हैं, वो तो तत्काल अपने आप को दूर बना लें, दूरी बना लें कि निगेटिव कमेंट ना करें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिवता के साथ रखें। सरकार आपके लिए अगर कुछ सोच रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अगर वो समय निकाल करके किसी तरीके से कुछ व्यवस्था करके आपके अच्छे के लिए मिल रहे हैं, तो उनके प्रति आपकी भावना सकारात्मक होनी चाहिए, उनको आपको बधाई देनी चाहिए, उनको आपको धन्यवाद देना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, तभी तो जाकर के एक आदमी आगे बढ़ पाएगा, कुछ काम करेगा। आप ही मिश्रा जी चला रहे, अभी हमने देखा आपने कहा कि कुछ कोई बंधु है कह रहे हैं कि इस डिबेट को बंद कर देना चाहिए। अरे भाई, डिबेट को क्यों बंद कर देना चाहिए, डिबेट नहीं बंद करना चाहिए, आप अपने आप को देखना बंद कर दीजिए, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है आप मत देखिए। अरे मिश्रा जी, आपसे कोई पैसा ले रहे हैं क्या डिबेट चलाने के लिए? अरे मिश्रा जी तो शिक्षा मित्रों को जीवित किए हुए हैं, अंधेशकों को जीवित किए हुए हैं कि अपनी बात करके, रोज आज यहाँ शासन में बात हुई,
आज इस अधिकारी से बात हुई, कल उस अधिकारी से बात हुई, आज मंत्री से बात हुई, आज मुख्यमंत्री से बात हुई, सारे लोगों से बात हो रही है। जो हमारे साथी अवसाद में जा रहे हैं उनको कम से कम पॉजिटिव रखे हुए हैं। तो अगर आपको बुरा लगता है, जो भी मेरे भाई अगर वास्तव में शिक्षा मित्र है, वो अगर उनको बुरा लग रहा है कि डिबेट बंद कर देनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी सोच सकारात्मक नहीं है। ये सोच को आपको बदलना होगा। मिश्रा जी आपके लिए लगे हुए हैं, आज से नहीं 3-4 साल से लगे हुए हैं, प्रतिदिन 1 घंटा समय देते हैं। उसके बाद भी जिन समस्याओं जिसकी समस्या होती है, चाहे शिक्षा मित्र हो, निदेशक हो, उनसे संपर्क करता है, तो मिश्रा जी उसको भी हल कराने का प्रयास करते हैं जितनी उनकी क्षमता है। तो भाई आपको इसमें क्या दिक्कत हो गई? ये गलत चीज है, आपको इस तरीके का कमेंट नहीं करना चाहिए जी। मिश्रा जी ऐसे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं ये लोगों की सोच गलत है। मिश्रा जी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, हर आदमी की अपनी एक इच्छा होती है और स्वतंत्र हर आदमी है। क्योंकि मेरा अपना एक नहीं स्वतंत्र तो है मिश्रा जी, लेकिन स्वतंत्र इसमें है कि आपको सलाह न दे करके वो स्वयं उस चीज को देखना बंद कर दे। अगर उनको बुरा लग रहा है भाई तो स्वतः छोड़ दे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति आपके लिए तिनका भी प्रयास कर रहा है तो उसकी हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसका सम्मान करें, उसको उचित अभिवादन करें और उसको बढ़ाएं, उसका कहें कि आपने हमारे लिए किया, तब तो आदमी 4 कदम चलेगा। जब कोई पूछने वाला नहीं था सोशल मीडिया, तो शिक्षा मित्र का नाम लेना बंद कर दी थी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कोई चीज है। तब मिश्रा जी ने बिगुल बजाया कि शिक्षा मित्रों को एकत्र किया जाए, शिक्षा मित्रों को संगठित किया जाए, सारे लोग एक साथ मिल करके आवे और एक साथ लड़े, इनका कुछ अच्छा हो जाए। इसके लिए मिश्रा जी ने प्रयास किया, आपसे कुछ लेने के लिए थोड़ा मिश्रा जी ने प्रयास किया। जो भी साथी हमारे हो, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस तरीके की बात, इस तरीके के कमेंट मत करें, ये मेरा निवेदन है उन लोगों से। अपनी अपनी आदत है, अपनी अपनी बातें हैं। मेरा मकसद इतना है कि कुछ हो जाए। आज इस मुकाम तक इन सब चीजों को पहुंचाया है, उसमें गिलहरी की तरह हमारा भी छोटा मोटा योगदान रहेगा। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कुछ हो जाए। यहाँ तो कोई पूछने ही वाला नहीं है, अनुदेशक शिक्षा मित्र पे एक दिन भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। आधे तो इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार का दबाव है, मुद्दों को मत उठाइए, मैं बड़ा बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ, और आधे इसलिए नहीं कर सकते कि इसको करके होगा क्या, समझ रहे हो? तो बड़ी चीजें दबाव की होती है, बड़ी चीजें, मैं अपनी बात बड़ी बेबाक रखता हूँ और उसी हिसाब से काम करता हूँ। हमारे साथ प्रकाश सिंह है, अनुदेशक है, क्या कहना चाहते हैं प्रकाश सिंह, जल्दी से थोड़ा कह दीजिए। चूंकि जी सादर प्रणाम सर, ग्रुप में जुड़े सभी आदरणीय जन को सादर प्रणाम। सर ये बस कहना चाहता हूँ कि जो आज सर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी लिख रहे हैं, सर पिछले 9 साल से जो भी खबरें उनके पास दी जाती थी वो झूठी खबरें दी जाती थी, तो उनका दिमाग तो उधर है। अब सत्य बात जो 3 साल से बताई जा रही है तो सत्य पचा नहीं पाते हैं। अभी सर झूठ की जो फौज है, गुमराह गैंग है, उसकी बात को सभी लोग विश्वास करते थे। अब 2021 से जब ने आपसे आपने बीड़ा उठाया है, सच बात आप बता देते हैं कि यथास्थिति क्या है। हम कह रहे हैं अगर आप घोषणा की बात करते हैं तो 2017-18 में ही 17,000 की घोषणा हो गई थी, क्या वो हमको प्राप्त हो गया? नियत और नियति दोनों में फर्क होता है सर। अगर प्राप्त ही करना हो तो सर आज अगर शासन सत्ता के लोग कह रहे हैं देने के लिए, तो हमें तो विश्वास करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प है तो कोई बता दे। हम कर अगर घोषणा की बात करते हैं, अगर अभी घोषणा तो 2017 में हुई थी कि अनुदेशकों को 17,000 दिया जाएगा। घोषणा तो कोर्ट भी सिंगल बेंच डबल बेंच सब कह दिया है, मिला क्या हम लोगों को 17,000? आज हम 17,000 लेने के लिए 7 साल से परेशान है, तो हमको तो विश्वास करना होगा सर। अगर आज शासन सत्ता के लोग अगर हमारी पैरवी कर रहे हैं, अगर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे लिए पैरवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सफलता मिलने वाली है, हम सफलता के नजदीक हैं। आज के पहले सर हमसे कोई मिलने से कतराता था, कोई हमारी बात नहीं सुनता था। हम ज्ञापन लेके जाते थे, वो ज्ञापन पता नहीं पढ़ता भी था या नहीं पढ़ता था, लेकिन आज के समय में सर कोई जुड़ कर कोई कुछ कह रहा नहीं, आपकी समस्या पे काम हो रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा सर। अधिकारी गण भी छोड़िए, मुद्दे पर आ जाइए, क्या आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या तथ्य है आपके, ये सब तो चलता रहेगा हमारा रोज का वही कह रहे हैं सर। और सर मैं बस एक बात के लिए कहना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला लटका पड़ा है हमारा, हम अनुदेशक साथियों को बस इतना बताना चाहते हैं कि जो लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मामला लटका पड़ा है, हमारे ही
वो संगठन जो कभी हमारे साथ नहीं रहे, वो जिन याचियों मुख्य याची जो है सर उनको वहां याची बनाया है, वो सारे लोग नौकरी पा चुके हैं जो मुख्य याची हैं सर, मुख्य याची जो लोग हैं अनुदेशक हैं वो नौकरी पा चुके हैं और हमारे मामले को लटकाने के लिए सर सुप्रीम कोर्ट में वहां जाके याची बने हुए हैं जिसको डिलीट करने के लिए याची ऐसे बने हैं उनका आप लोग जाके वहां देते क्यों नहीं एफिडेविट उनके प्रपत्र सर दिए हैं सर सर दिए हैं एक्चुअली सर बात ये समझाओ प्रकाश सिंह ये आपका कोर्ट का मैटर है वहां समझाओ कोर्ट का मैटर हमें समझाने से थोड़ी कोई काम चलेगा। नहीं नहीं सर कहने का मतलब ये है कि अनुदेश जो गुमराह वाली बात सर गुमराह वाली जो बात लोग कर रहे हैं इस पे मैं कह रहा हूँ किसी तरह हर जगह गुमराह जैसे आज कार्यपालिका में गुमराह है उसी तरह न्यायपालिका में लोग गुमराह है सच को नहीं सुनना चाहते हैं सच से बहुत दूरी बना के रहना चाहते हैं और सर मात्र कमेंटबाजी तो करते हैं। प्रकाश जी सामना तो सच का ही करना पड़ेगा कोई गैंग हो रजनी यही कह रहे हैं सर शिक्षा मित्र है रजनी जी जल्दी बात पूरी करो फिर हम पांडे जी और रमेश मिश्रा की बात सुनेंगे। जी कई दिनों से आप लिख रहे थे कि हमें बात करनी है रजनीश जी आप अपना माइक खोलिए और बात करिए जी बोलिए माइक ऑन नहीं हो रहा आपका हेलो जी बोलिए आ रही सर जी आ रही है बोलिए आवाज आ रही है सर आ रही है नमस्कार जी सर बधाई से बोल रहे हैं सर बधाइयों से जी बोलिए तो बधाई से बोल रहे हो डिबेट में बैठे सभी लोगों को नमस्कार सर आम शिक्षा मित्रों को देखिए नेता तो सब एक मांग रखते हैं सब कुछ करते हैं फिर एक क्यों नहीं होते हैं सर इस बात का जवाब मिल नहीं रहा आपने इतना प्रयास किया मगर एक डिबेट में आए मगर एक मंच में नहीं आ पा नहीं रह गई मामला अंतिम पड़ाव पे है अब एक और नेक इन सब बातों को भूल जाओ ये छोड़ दो जब जरूरत थी तब नहीं हुए अब सब छोड़ दो इन बातों को भूल जाओ अब तो केवल एक बात करो कि भला कैसे हो ये संगठन शिक्षा मित्र की लड़ाई से अब आगे मामला निकल गया ये सब चीजें आप छोड़ दो संगठन क्या करेंगे संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं संगठनों को अपना अपना काम करना है आम शिक्षा मित्र अपना काम करें क्योंकि अभी न तो धरना हो रहा है जो एक हो जाए अभी न कहीं मीटिंग हो रही है जो एक हो जाए तो एक होके भी क्या करेंगे जब जरूरत थी तब बात होती तो ठीक है अब तो इसका कोई मकसद और मतलब नहीं है रजनीश जी। अरे सर मतलब तो नहीं है मगर तो एक एक मांग पत्र रखते तो एक बाय एक आवाज बोलते हैं समस्या तो है। ये आवाज बोले अब सबसे बड़ी भूमिका तो भला की बात करो अब सिर्फ भले की बात करो एक फेक की कोई बात मत करो। उमेश पांडे जी मैं आऊंगा रजनीश जी फिर दोबारा आपके पास। उमेश पांडे जी बात तो रजनीश जी की बिल्कुल सही है कि एक मांग पत्र होता या रमेश मिश्रा जी से उनकी बात है तो एक होता तो एक ही अच्छी होती लेकिन जो हुआ ठीक हुआ जो होगा वो ठीक होगा। मिलकर लौटे हो क्या कहोगे अब शिक्षा मित्रों को क्योंकि शिक्षा मित्र भरोसा करता है अपने संगठन के नेताओं पर जी और जी मिश्रा जी बिल्कुल अगर संगठन के नेता कमजोर हो जाएंगे संगठन के नेता बार बार बात नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि नेता बड़े चिकने घड़े होते हैं जैसे बूंद पानी की डालो रुकती नहीं आपने एक बार कहा तो उन्होंने सुना नहीं दूसरा कहा तो फिर नहीं सुना कहीं तीन चार बार जब भीग जाता है घड़ा तो फिर दूर से दिखता है कि इसमें अब नमी आ गई है तो लगातार इस बार जो बारी बारी से मिल रहे हो तो घड़ा में नमी है और नमी वाले घड़े को भिगोए रहो जितना भिगो सकते हो। जी मिश्रा जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ पहली बात मैं नेता नहीं ना मेरे अंदर कोई नेता वाले गुण है मैं शिक्षा मित्रों का सेवक हूं और अपने भविष्य का सेवक क्योंकि मैं भी शिक्षा मित्र हूं सबसे पहली बात। दूसरी बात आपने कहा आज हमारी मुलाकात माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हुई है तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और अपनी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग भी आश्वस्त रहे हम लोग जैसे आपने कहा कि घड़ा भीग चुका है तो उसको भिगोने का काम हम लोग करें तो मैं आश्वासन देता हूं और वादा भी करता हूं कि इसको भी जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाएगा
हम लोगों के उज्जवल भविष्य की घोषणा नहीं हो जाएगी, शासनादेश नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इसको भिगोने का काम करते रहेंगे और करते रहें और करते रहेंगे। और आश्वस्त करना चाहते हैं उन लोगों, अपने सभी साथियों को, कि आप लोग भी धैर्यता के साथ अपने पठन पाठन पे ध्यान दें, संगठन आपका काम कर रहा है, और सोशल मीडिया से दूर रहें। एक बहुत बड़ी बात जो मेरे समझ में है कि अगर ये सोशल मीडिया का इतना बड़ा फैलाव नहीं होता तो शायद शिक्षा मित्रों का कल्याण हो गया हो। लोग इतनी सी बात, जैसे अभी भाई साहब सही कह रहे थे, कार्यपालिका को सही नहीं मान रहे हैं, इसी तरह हम लोगों को भी गुमराह कर देते हैं लोग, तो गुमराह ना हो और ना करें। आप लोग अपना अपना पठन पाठन का कार्य करें, आने वाले दिन, आने वाला समय हम लोगों का उज्जवल समय है। और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी नेता हो, लेकिन मैं नेता नहीं, मैं आप लोगों का मित्र हूं, आप लोगों का सेवक हूं, और 10,000 की हमको भी बहुत चिंता रहती है। 10,000 में ही परिवार को चलाने में बड़ी समस्या, जो आपको है वही हमको है। तो मैं तो जब किसी भी कार्य को करने के लिए घर से निकलता हूं तो सबसे पहले मैं स्वयं को लगाता हूं कि मुझे अपना, हमारा उद्धार अगर 30,000 होगा तो आपको मिलेगा, तो हमको भी 30,000 ही मिलेगा। अगर ये भी की कोई खबर है आपके? नहीं, ऐसा नहीं। अब आप पत्रकारिता वाला हाथ दिखाने लगे, इसमें हम ऐसा नहीं बता रहे हैं। 30,000, 20,000, 50,000 की बात नहीं कर रहे हैं। आपने 50,000 की बात की, आपके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो 30,000 की जल्दी। अरे हो जाए तो बहुत अच्छा है। अरे हो जाए सर तो हमारे 10 साल जो 15 साल का जीवन बचा है अच्छी तरह से कट जाएगा। क्यों भैया मिश्रा जी बताइए, रमेश मिश्रा जी आप बड़े भाई हैं, हैं? तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे हर शिक्षा मित्र के घर में दीपक ऐसा जले जो हमेशा हमारी जिंदगी भर वो दीपक जलता रहे। मैं ये चाहता हूं, और अब सरकार से यही लेने की मैं उम्मीद भी करता हूं। और जहां जाता हूं मैं यही कहता हूं साहब, 10 से 15 साल का हम लोगों का इस नौकरी का समय बचा है, इसको संजो दीजिए। और आपकी वो जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सो वेग दास में तोरा, ये वाला दोहा लेकर के मैं जाता हूं। और इसी दोहे, क्योंकि ये रामचरितमानस का दोहा है, वो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो आप लोग चिंता ना करें, धैर्य बनाए और पठन पाठन पे ध्यान दें। संगठन आपका ईमानदारी से काम कर रहा है, क्योंकि संगठन में काम करने वाले लोग भी शिक्षा मित्र हैं। जी मिश्रा जी, बात आप पांडे जी ठीक कह रहे हैं। और इसी कमेंट के साथ हम पहले रमेश मिश्रा जी के पास जाएंगे। रमेश मिश्रा जी, अब इसी बात पर जो अभी जिक्र कर दिया उमेश पांडे जी ने, कोई यहां से सुन लेगा और वो 30,000 की सुबह वायरल हो जाएगी बात। ये बड़ा अच्छा होता है, पांडे जी ने डिबेट में कह दिया कि 30,000 रुपया मानदेय मिल जाएगा। 30,000 नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 30,000 मिल जाएगा, मैंने कहा अगर हो जाता। मेरी बात तो सुन लो, और उस पर हंगामा कट जाएगा कल। ये जो यूट्यूबर हैं जो सिर्फ इस पर काम करते हैं, वो सिर्फ डिबेट में से काट पीट के और बना बनू के सुबह तक हंगामा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि पांडे जी ने ये कहा कि मैं तो चाहता हूं 30,000 रुपया मुझे मिल जाए जिससे मेरा परिवार पल जाए। बिल्कुल। और इन्हीं सब बातों से इतना ऊपर नीचे हो जाता है मामला कि आप नहीं समझते। मैं ये चाहता हूं कि इतना साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मेरे दरवाजे पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यानी शिक्षा मित्र निर्देशक के पे आए तो भूखा ना जाए, और उसके लिए पैसे चाहिए। क्यों, आज तो शिक्षा मित्र भी भूखा जा रहा है, अनुदेशक भी भूखा जा रहा है, वो खुद के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उसका बच्चा फीस के लिए रो रहा है, उसके छोटे बच्चे हैं तो कपड़े के लिए रो रहे हैं, खिलौना तो नसीब ही नहीं है पैदा हुआ उस दिन से, बाकी बातें छोड़ दीजिए। और अगर उसके बड़े बच्चे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं, और अगर उसकी बेटियां शादी योग्य हैं तो वो शादी के लिए खुद चिंतित है। तो इतनी चिंताओं के बीच अगर उसके बूढ़े माँ बाप भी जीवित हैं तो उनके लिए इलाज के लिए चिंतित है, और इस सब के बीच भी वो जिंदगी अपनी जी रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल पढ़ा रहा है,
वापस घर आ रहा है, इन सब समस्याओं का बोझ दिन भर लादे लादे वो बूढ़ा हुआ जा रहा है, समय से पहले उस पर बुढ़ापा हावी हुआ जा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है ना लिख पा रहा है। आज उमेश पांडे जी भी अगर अस्वस्थ है तो उसका भी यही मुख्य कारण है, मानसिक दबाव, परिवार का दबाव, काम करने का दबाव और हाथ खाली। खाली हाथ व्यक्ति जीवन जो जीता है वो मर्म वही जानता है कैसे जीता है। कितनी बार सुबह से शाम तक अपनी जो मन में उठती है कि चलो ये भी कर लेते, फिर देखता है जेब की तरफ भी कुछ नहीं है तो कहता है चलो फिर देखेंगे, बाजार में जाता है सामान सब अच्छे लगते हैं लेकिन नहीं ले पाता। आलू है 40 रुपया, टमाटर 100 रुपया है, बाकी सब्जी छोड़ दीजिए, और इस बार तो अभी आलू बरसात में लेट लगाए और भी महंगा हो सकता है। खाओगे कुछ? प्याज 50 से 60 रुपया है, क्या खाओगे? गरीब की दो ही चीजें होती हैं, आलू प्याज टमाटर, इन तीन चीज से ही वो अपनी जीवन काट लेता है। टमाटर 30-35 रुपया किलो मिल जाए, आलू 10-12 रुपया किलो मिल जाए और प्याज 25-30 रुपया मिल जाए, तो कभी आलू प्याज कभी आलू टमाटर इसी में अपनी जिंदगी रगड़े रहता है। दाल तो नसीब नहीं होती 200 रुपया किलो की, लाए कैसे? ऐसे में मिश्रा जी जिंदगी जी रहा है वो वही बात है कि कब्र के हाल मुर्दा को पता है कि वो सड़ता है कि मरता है कि जलता है कि क्या होता है, मुर्दे को ही पता होता है कब्र का हाल, क्योंकि सनातन धर्म में तो अंतिम संस्कार जलाकर करते हैं, तो जो कुछ हाल होता है वो 5-7 मिनट में चिता पर रखने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। जी मिश्रा जी, तो इस संकट में कैसे जीवन निकले? जी मिश्रा जी, अरे हम तो कहेंगे हमारे भाई उमेश पांडे जी आज मिल करके आए हैं, कुछ नया चीज लेके आए हो, अब तो 30 क्यों लेकर के आए, कम से कम 40 लेके आना चाहिए था कि 40 मिलता तो और बढ़िया रहता, अच्छा होता। उमेश पांडे को दोषी क्यों बना रहे हो? आप भी फंसा रहे हो, आप भी फंसा रहे हो। माइक बंद है पांडे जी, माइक खोलिए पहले। पांडे जी माइक बंद है, पांडे जी माइक, पांडे जी माइक खोलिए, माइक बंद है आपका। हाँ माइक बंद है। मैं मिश्रा जी से अपने बड़े भाई से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि उसको मुद्दा ना बनाए, और उनको भी पता है क्या मिलने वाला है, वो खाली बड़े हैं हमसे, अब वो हमको कहा जो बेवकूफ बना हमको मालूम। हाँ अरे हम लोग उनको 101% पता है, मैं आपको बताइए डिबेट बताना ले चाहता हूँ, आप बड़े भाई हैं और हमेशा हमको सानिध्य मिला है, एक बार छोड़ करके आज 22 वर्षों में हम अलग संगठन में जरूर है लेकिन आपका सानिध्य प्रेम हमेशा मिला, एक दिन इस 22 वर्षों में एक दिन नहीं मिला, वो हमने आपके यहाँ शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन इसको मुद्दा ना बनाए और आपको सब पता है मेरे कहने का मतलब। मैं हम लोगों की मुलाकात हुई है लमसम 5-7 दिन हो गया मुख्यमंत्री जी से, आज मुख्यमंत्री जी से आप आज मिले हैं, हो सकता है कुछ और बढ़ा हो कुछ आगे बढ़ा ऐसा हो, तो है मिश्रा जी, इसलिए मैंने कहा मैं अपने बड़े भाई रमेश मिश्रा जी से कहना चाहता हूं कि वो कोई बोरी में अनाज नहीं है, वो जो 1 किलो बढ़ता चला जाएगा, जो होना है वो आपको पता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप कोई डिबेट में कहता हूं, और हम ये जो हमने कहा ये अपनी हमने अपनी आत्मा में हमारे जो है, मैं यही चाहता हूं कि कम से कम हमारे लोगों का इतना जरूर हो जाए, वही मेरे मुंह से निकला कि अगर 30,000 मेरा होगा तो आप लोगों का भी होगा, तो उसको मुद्दा ना बनाइए। पांडे जी होने को देखिए, अभी आज आज हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया मिश्रा जी, दैनिक वेतन भोगियों के लेकर के ऑर्डर आया है कि उनके उनका जो न्यूनतम वेतन होता है उसके बराबर कम से कम जो होता जो उनके कर्मचारी है जो परमानेंट कर्मचारी है उनके न्यूनतम वेतन के बराबर इनका कम से कम होना चाहिए, ये आदेश आज हाई कोर्ट ने भी दिया है, तो होना तो चाहिए जितना मूल वेतन होता है अध्यापकों का, मूल वेतन होता है, मूल वेतन में जितनी उनकी परसेंटेज महंगाई होती है उसको जोड़ करके मिलना चाहिए, जो सच्चाई यही है, और सरकार ने भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, सरकार ने भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, होना तो चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे तो उनके ऊपर निर्भर है, ना हमको पता है ना आपको पता है। मिश्रा जी अभी कल से हमारे पास घंटी
मिश्रा जी के पास घंटी बजवाना शुरू कर देंगे, हम नहीं मानेंगे। मिश्रा जी को सब पता है, हमें कुछ नहीं पता है। मुख्यमंत्री जी जब करेंगे तब पता चलेगा। हम अपने बड़े भाई की तो सब पता हो जाएगा जी। माननीय रमेश मिश्रा जी बड़े भैया, हम आपकी इसी बात से सहमत नहीं है, बाकी सब चीज से आपको सब पता है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, हमको सब ही बता दो, आसपास ही बता दो क्या होने वाला है, फंसा दिया और ये हम भी इनसे पूछते, हमको नहीं बताते हैं। आपको आज फंसा दिया पांडे जी ने जी। नहीं हमारे हमारे बड़े भाई, हमारी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। हमने क्या बताया, 22 वर्षों से हमें प्रेम और सानिध्य मिला है, एक दिन छोड़ करके बस, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ। अब वो ना बताओ छोटे भाई को अलग की बात है, नहीं बताओ तो मत बताओ, अब तो फंस गए हो मिश्रा जी, जवाब दो कुछ भाई, दर्शक पूछ रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। नहीं नहीं देखिए, एक चीज बताए मिश्रा जी भाई, ठीक है वो अनुज है हमारे, उनकी बात अपनी बात ठीक है, सही बात है, पता तो सबको है, लेकिन करना मुख्यमंत्री जी को है। नहीं तो फिर पता तो सबको है, करना मुख्यमंत्री जी को है, पता तो सबको है, पता तो पांडे जी को भी है, लेकिन करना मुख्यमंत्री जी को है। जब तक मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी नहीं होगी तब तक होना तो है नहीं, इसलिए उस पता को और ना पता को कोई मतलब नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी जिस चीज को हरी झंडी दे देंगे, कर देंगे, वही हमारे लिए अच्छा होगा, वही हमको मिलेगा। तो इस पर कोई डिबेट की बात नहीं है, इस पर कि पता है या नहीं पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि अब होने वाली है, ये इससे हम भी सहमत है, इससे उमेश जी भी सहमत है, इससे सारे लोग सहमत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अब कृपा दृष्टि आशीर्वाद मिलने वाला है शिक्षा मित्रों को, और शीघ्र मिलेगा, जल्दी जल्दी मिलेगा। इतना मैं अपने लोगों से कह सकता हूँ कि सब लोग धैर्य बनाए रखें और सरकार के साथ सामंजस्य बनाने का कार्य संगठन कर रहा है, उसके लिए हम आगे बढ़े हैं और निश्चित तौर पर हमारा समाज, हमारे समाज का हित होने वाला है, क्योंकि अब बीजेपी के लोग कहना शुरू कर दिए हैं सारे एमएलसी, आपने देखा मिश्रा जी, सारे एमएलसी हमारे साथ खड़े हैं, सारे विधायक हमारे साथ खड़े हैं, बहुत से लोग अब खुल करके खड़े हो रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो उस दिन कमेटी की बैठक में भी उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करिए, आप करिए, तो सारे लोग अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब अच्छा होने वाला है। ये मैं अपने साथियों से कहूंगा कि आप लोग आश्वस्त रहें और अपना काम करते रहें। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है कि विद्यालयों में उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने का, वो काम आप लोग विद्यालयों में करें, और संगठन का जो काम है संगठन के लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अब हमको कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा जी। मिश्रा जी चलिए मैं रजनीश जी की भी थोड़ी सी बात सुन लूं, बात पूरी नहीं हुई अब, केवल आप अपनी मनसा क्या है संगठन और इन सब की बात छोड़कर जी बताइए, आप शिक्षा मित्र की राय क्या है। शिक्षा मित्र की राय यही है, गड़बड़ तो नेता कर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक कोई शब्द नहीं कहा, ये आकर के बाहर कुछ कह देते हैं, किसी से कोई कुछ कह देता है, किसी बात बिगड़ जाती है। अब तो कहानी वो हो गई है, ये कोई गंदी थी उनके, कोई दूसरे कह दिया कि भैया आ गए, तो नहीं भैया हम तब मानेंगे जो हम भैगौरी भेंट लेंगे। अब शिक्षा में तो भरोसा नहीं रहा, केवल नेताओं की बात, रोज मिलते हैं 14 संगठन है, कोई ना कोई रोज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता है, मगर भूल गए 20 में, अरे 6 भूल गए आप, 20 थे अभी बैठक में, 14 की सूची आई थी सर, 14 की सूची आई थी पहले सर। चलिए ठीक है, आप संगठन में ही अभी फंसे पड़े हो क्योंकि मन में कुंठा बन चुकी है संगठन। मिश्रा जी भाई रजनीश जी से मैं पूछूंगा, मिश्रा जी भाई रजनीश जी से आप भी तो किसी संगठन में आस्था रखते होंगे। अरे मैं हमारे लिए हमारे कोई संगठन नहीं है, जो हमारी बात कहेगा मैं उसके साथ हूँ। अभी नकलू गया था, कोई संगठन था है, कोई किसी ने कहा सारा धरना लगा लिया, कोई को गार्डन पड़ा है, कोई कुछ कह रहा है, हैं हम शिक्षा मित्र पूछिए क्या मर रहा है, यहाँ हम कटी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमको 10,000 मिल रहे हैं, आपको 10,000 मिल रहे हैं, मैं यहाँ टीम में बैठा हुआ है, आप बिल्डिंग बैठे हुए हैं, ये देखिए आप ये क्यों कह रहे हैं 10,000 मिल रहे हैं। अरे मित्र मैं आपका ऋणी हूँ, आपने हमारी आवाज उठाई, आज इस मंजिल में बात पहुंच गई, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं, केवल आपकी देन है, ठीक है, किसी की देन हो, मैं नेता आगे बढ़ना दीजिए, किसी की देन हो,
वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ और सिंह की दहाड़ हो, फिर भी आगे बढ़ते रहो, किसी भी तरीके से बात बढ़े आगे बढ़े, सब छोड़ो। प्रकाश सिंह क्या कहेंगे अंतिम कमेंट, बस क्योंकि समय हो चुका है। नहीं सर मित्रों के मन में, अनुदेशकों के मन में बहुत पीड़ा है, और पीड़ा का कारण सर, पीड़ा तो है सर, सर मिलता है उसमें परिवार नहीं पलता, और जब परिवार नहीं पलता है तो फिर नुक्ता चीनी कमियां निकाली जाती हैं। तू चल सर, उस पर उठा दिया। जी प्रकाश सिंह सर, कमियां निकाली जाती है, मैं इस बात को मानता हूँ, पीड़ा है सर, पीड़ा हम लोगों के पास भी तो है, हम लोग भी तो सर 11 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, हमको भी तो 90,000 मिल रहा है। कहने का मतलब सर पीड़ा सही है, लेकिन आज अगर सही दिशा में लड़ाई चल रही है तो धैर्य के साथ महीने दो महीने चार महीने इंतजार करने में क्या हो जाता है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। अपनी पीड़ा को दर्शाइए आप, ठीक है, लेकिन उस पीड़ा को पीड़ा बताइए ना। आप किसी के खिलाफ कुछ अनाप शनाप क्यों लिखते हैं, जो आपकी आवाज उठा रहा है उसके बारे में क्यों लिखते हैं, सरकार के खिलाफ क्यों लिखते हैं, आज सभी को पता है क्या होने वाला है। इसीलिए कोई कुछ नहीं कहना चाहता है सर, कि अगर अभी कह दिए तो कल से मंठा महीना शुरू हो जाएगा। अब पता चला कि कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे मठाधीश लोग, जो मुख्यमंत्री को भी सब कुछ लिख डालेंगे, हमारा नाम लेके लिख डालेंगे, वो हम ही को मुख्यमंत्री बना देंगे, खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब तो कुछ कहने में भी डर लगता है सर, क्या कहे हम लोग कहें। तो धैर्य के साथ इंतजार तो कर सकते हैं, चाहे शिक्षा मित्र साथी हो चाहे अनुदेशक साथी हो। आप अगर इतने दिन अगर नौकरी किए, इतने दिन धैर्य रखे, तो थोड़ी देर धैर्य रखने में क्या है, आपके हाथ में कुछ है? अगर कोई शॉर्टकट रास्ता है जिससे आज शाम को मुहर लग जाए, भोर में हमारे खाते में पैसा आ जाए, तो वो रास्ता बता दीजिए, उसी रास्ते पे हम लोग चल लेते हैं। वही रास्ता बता दीजिए कि जिसमें एक दिन में सब मामला खत्म हो जाए। अगर सर नियमावली बनेगी तो समय लगेगा, ये छोटी समस्या नहीं है सर, बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारा परमानेंट इलाज अगर कुछ निकलने वाला है तो उसके लिए सर वित्त की सहमति लेनी पड़ेगी, गोपन विभाग से सहमति लेनी पड़ेगी, अधिकारी जन उसके लिए एक रास्ता निकालेंगे, उसके लिए सर समय लगेगा, और मुझे इंतजार करना होगा, सभी को इंतजार करना होगा। अगर जिसको इंतजार नहीं करना है, मोबाइल महीने दो महीने के लिए स्विच ऑफ कर दे, और थोड़ा सा भगवान का नाम ले ले कुछ दिन के लिए, हम लोग सुधर जाएंगे, हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। बस यही हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करेंगे, कमेंटबाजी बंद कर दें, इससे नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, बस यही कहना है। जिद जो लोग पकड़ के रखे थे, जिद का नतीजा है कि अभी तक कुछ मिल नहीं पाया सर, यही कहेंगे, सादर प्रणाम सर। चलिए बिल्कुल सही है बात, रमेश मिश्रा जी कुछ कह रहे थे, रमेश मिश्रा जी। जी सर, देखिए अभी चाहे उमेश जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे प्रकाश जी बैठे हैं, चाहे रजनीश जी बैठे हैं, ठीक है, प्रकाश जी अनुदेशक हैं, बाकी हम सब शिक्षा मित्र हैं, और सबको 10,000 मिलता है, 10,000 एक रुपए किसी को नहीं मिलता है रजनी जी, सबकी जिम्मेदारी है, सबका उतना है। हाँ इतनी है कि अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो संगठन के लोग, संगठन के अपने लिए, संगठन के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ने का काम अगर कर रहे हैं तो उसमें सबका फायदा होगा, अगर किसी का फायदा होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। हाँ ये है, जिम्मेदारियां सबकी हैं, आवश्यकताएं सबकी हैं, आवश्यकता की जरूरत है सबको इस चीज की कि कम कि जितना ज्यादा ज्यादा अगर शिक्षा मित्र को मिलेगा उतना ही कम रहेगा शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि 50 से अबव सारे लोग हो चुके हैं, अब कोई 50 के नीचे नहीं है, सारे लोगों के परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, इन सब चीजों के लेकर के आवश्यकताएं, और ये सारी चीजें अगर हम आप मिलते हैं तो निश्चित तौर पे चाहे जो मिले नेता मिलता है बीजेपी का, सरकार के मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, सबसे हाथ पैर जोड़ करके निवेदन किया जाता है कि अब आवश्यकताएं हम लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हम लोगों के पास खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, बेटियां शादी करने के हो गई, माँ बाप की दवाई करानी है, अब हम लोगों का खर्चा नहीं चलता, इसलिए आप करिए। तो ये सब सारी चीजें सोच करके ही सरकार पॉजिटिव हुई है। अब सबको हमको सरकार के प्रति सकारात्मक भी रखना पड़ेगा, जैसे रजनी जी भी कह रहे थे कि सरकार का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कह दे, अरे भाई सरकार पे ही भरोसा करोगे, जो भी सरकार होगी उसी से मांग करनी है, आज भाजपा की सरकार है उससे मांग करनी पड़ेगी, कल मान लीजिए कोई और सरकार होगी उससे मांग करनी पड़ेगी, देगी सरकार ही, कोई दूसरा नहीं देगी, इसलिए सरकार से मांगिए, और सहजता से मांगिए, सरलता से मांगिए, सद्भाव रूप से मांगिए कि और वो जीत देने के लिए सरकार तैयार भी हो गई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर कृपा दृष्टि नहीं होती ये सारी चीजें जो प्रक्रिया में आई, सारी चीजें प्रक्रिया में नहीं आती, इसलिए थोड़ा और धैर्य रखिए रजनीश जी,
अच्छा होगा ये मैं कह सकता हूँ जी। अब पांडे जी ने आज आप पर दबाव दे दिया, लोग इसमें पूछ रहे हैं कि मिश्रा जी, तो मैं शिवकुमार मिश्रा को कुछ पता नहीं है, पांडे जी ने जिन मिश्रा जी को फंसाया वो मिश्रा जी जवाब दें। मैं शिवकुमार मिश्रा को कोई पता नहीं है, और पता होगा तो सबसे पहले बता दूंगा, बेबाक बता दूंगा, एक मिनट नहीं रोकूंगा। बाकी रमेश जानकारी तो मिश्रा जी जानकारी तो शिवकुमार मिश्रा को ही है, बाकी किसी जानकारी है नहीं। आप मुझ पर मन चालिए, मुझ पर मन चालिए, मुझे नहीं फंसा सकते। ये आपसी संगठनों के चक्कर में जो आप देख रहे हो, एक एक पल की जानकारी है, एक एक व्यक्ति की जानकारी शिवकुमार मिश्रा जी को है। पांडे जी के पास, पांडे जी अब आपने सर शिक्षा मित्र तो आपको फंसा दिया, फंसा दिया, फंसा दिया जी। और नहीं नहीं मैं इनके संगठन मैं शिव कुमार मिश्रा जी से नहीं कह रहा हूं कि उनको जानकारी है, मैं आदरणीय रमेश मिश्रा जी को कह रहा हूं, रमेश मिश्रा जी को सब पता है। और जैसा कि अभी हमारे आदरणीय भाई ने कहा, आदरणीय रमेश मिश्रा जी ने, कि वो बात उन्होंने 101% सही कहा। रही बात अभी हमारे यादव जी कह रहे थे कि मैं टीन के नीचे हूं और आप लोग जो है आपका मकान पक्का बना हुआ, अरे श्रीमान जी ये पिताजी की देन है, पैतृक देन है, बाबा दादा की देन है, तो आज इस पे बैठे हैं, वरना 10,000 का व्यक्ति एक गाड़ी ईटा लेने के अवकाश में हम लोग नहीं है। इस बात को आप भी, और दूसरी बात आप ये भी समझिए कि अगर आपका नेता फटा पुराना पहन करके किसी मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री के पास जाएगा तो उसको कोई लाइन देने वाला नहीं है। इस नाते आप लोग और हमको आशीर्वाद दीजिए, हम लोगों को, कि हम लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आप लोगों की बात को आगे बढ़ाएं। आपने आपके दर्द को मैं भी समझता हूं यादव जी, आपके हर एक दर्द का मैं वाकिफ हूं, आपके दर्द से, जो दर्द आपको है वही दर्द हमको भी है। मेरा भी बेटा 20 साल का हो गया है, शादी होने की कगार पे है, और जब जिस दिन मैं उसका तिलक करूंगा मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। मिश्रा जी अगर बस्ती से हमारे यहाँ तिलक में आएंगे तो इनके रहने का, इनके खाने का, इनके पीने की भी व्यवस्था करनी, एक उदाहरण हमने दिया। तो हम लोगों के सामने वही समस्या है जिस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं, उसलिए आप लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहे हम लोगों को, आप लोगों ने ही आगे किया है, तब हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग जब जाते हैं तो हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, ये सत्यता है मिश्रा जी, ये कोई हर नेता नहीं बताएगा, मिश्रा जी ने इसको बात को बताया है, वो उनकी महानता है, वहां बैठ करके हाथ पैर ही जोड़ना पड़ता है, और काम करवाना कोई आसान काम नहीं होता है, कहना बहुत आसान होता है। इसलिए सभी लोग, मैं आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता हूं कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और उंगली कम चलाएं, और अपने संगठन पर विश्वास करें, सरकार पर विश्वास करें, आपका हित जरूर होगा। चलिए समय भी हो चुका है, तो आप सबका, उमेश पांडे जी का, रमेश मिश्रा जी का, प्रकाश सिंह का, विक्रम सिंह का, सबका आभार धन्यवाद। और इसी के साथ सभी लोगों से बस यही मेरी गुजारिश है कि वक्त का इंतजार कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखिए, कुछ अच्छा होगा ऐसा भरोसा है, और भरोसे पे ही कहते हैं विश्वासी एक परंपरा है। आपने कपड़ों की दुकान पर लिखा देखा होगा, जो वस्त्रालय थे पुराने उन पर एक लाइन लिखी होती कि विश्वास ही परंपरा है, तो विश्वास के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, न किसी के हाथ में आदेश है कि वो टाइप करे और ला के दे दे तुम्हें कि ये आदेश लागू हो गया, न किसी के हाथ में ऐसा माइक है जो ऐलान कर दे और वो अभी लागू हो जाए, इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा रखिए कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ आप सबसे विदा लूंगा, सबको नमस्कार, दर्शकों का बहुत बहुत आभार।